मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम कौन से लेटर सीखेंगे? सी एंड डी। आज हम कौन से लेटर की ड्राइंग बनाना सीखेंगे बताइए मुझे? सी एंड डी। सी फॉर कैट बनाना सीखेंगे और डी फॉर डॉग बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सी फॉर कैट बनाते हैं। ओके, तो देखिए आप, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? सी, सी फॉर कैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे एक लाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? एक लाइन करेंगे इस तरीके से। ओके, लाइन कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें कैट लिखेंगे। सी ए टी, कैट लिख लिया सबने। सी ए टी कैट लिख लिया ना सबने। अब हम क्या करेंगे देखिए, ठीक है? कैट लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है देखिए। अब आप सबसे पहले यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, अब हम ये ऊपर वाला जो फेस है इसको बनाते हैं। ओके, चलिए तो वो आप कैसे बनाएंगे? आप स्केल लेंगे, उसकी हेल्प से बनाएंगे आप। ओके, देखिए पहले इस तरीके से आप लाइन करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। ओके, और फिर इसको इधर से ऊपर लेके जाएंगे ताकि दोनों साइड से इक्वल आ सके। ओके, देख लीजिए अब इक्वल आया है ना दोनों साइड से। तो आपको एक से ऐसे करके लेके जाना होगा। उसके बाद ऊपर आप एक डब्लू बनाएंगे इस तरीके से उल्टा, और एक डब्लू इस साइड बनाएंगे उल्टा, और आपकी जो कैट की जो शेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। तो अब हम जो कैट है उसका फेस कंप्लीट बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। ये आपकी कैट है, उसकी हम आईज बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर हम? नोज बनाएंगे, उसके बाद उसका फेस बनाएंगे। ओके, अब क्या करना है? अब ये जो लाइन है, इस लाइन को हम इस तरीके से सी से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इस लाइन को हम इस तरीके से, ये जो सी है इससे जोड़ देंगे। ओके, चलिए अब आगे देख। देखिए बच्चों, आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं आपने ये अपनी जो कैट है उसकी मूछें बना दी हैं और फेस भी बना दिया है, आईज भी बना दी है ना। तो देखिए आप, यही बनाया था हमने सेकंड स्टेप में। अब हम अपना थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको? जो ये आप देख सकते हो जो कैट के पैर हैं, अब हम पैर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? पैर बनाएंगे और पूंछ बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाना है देखिए, ये जो टी लाइन गई थी उसके आपको एक बिल्कुल बगल में लाइन खींचनी है, और दोनों साइड बगल बगल में छोटी छोटी पतली पतली सी लाइन खींच दी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने खींच दी है, इस तरीके से घुमा दीजिए इनको। ओके, फिर पैर बन जाएंगे। देखिए ये बन गया एक पैर, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, और ये बन गया दूसरा पैर। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से घुमा दिया हमने, और दोनों पैर रेडी हो गए। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम अपनी कैट की पूंछ बनाएंगे। तो जो सी है उसको हम वापस से हल्का सा लेके जाएंगे इस तरीके से कर्व में, और ये हमारी कैट की पूंछ भी रेडी हो गई। ओके, तो बच्चों आपको कैट समझ आई? चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं? अब हम इसमें स्केच कलर करते हैं। पहले हम आउटलाइन करेंगे ब्लैक स्केच से, उसके बाद इसमें हम कलर फिल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करनी है? आउटलाइन करनी है। तो आउटलाइन हम उसी तरीके से करेंगे ब्लैक स्केच से जैसे कि हमने अपनी कैट बनाई है। ओके, सबसे पहले मैंने यही बनाया था, उसके बाद मैंने क्या बनाई थी बच्चों? सी ए टी कैट लिखा था, तो मैं वही लिखती हूँ। सी ए, और फिर क्या लिखा था मैंने? टी, है ना? तो देखिए मैंने वही लिखा।
ओके सी ए टी। उसके बाद मैंने क्या किया था बताइए, उसके बाद जो हमारी कैट है उसका फेस बनाया था, तो फेस पे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, ऐसे ही जैसे जैसे आपने बनाई थी वैसे ही वैसे आप करते जाएंगे। ओके, फिर हमने पूंछ बनाई थी तो हम पूंछ बना देते हैं, सॉरी मूंछ बनाई थी तो मूंछ बना देते हैं। फिर हमने फेस बनाया था, उसके बाद हमने आईज बनाई थी है ना, तो आईज भी बना दी हमने। उसके बाद हमने ये डब्लू वाले जो उसके जो कान है ईयर है उनको बनाया था, ईयर बना दिया। उसके बाद हमने यहां से क्या किया था, सी तक जोड़ा था, जॉइंट किया था उसके फेस से सी तक, तो कर लिया ना अब हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, पैर बनाए थे, एक लाइन हमने इस तरीके से ली थी और एक लाइन हमने उसके बगल से ली थी। तो ये हमारी कैट के पैर भी रेडी हो गए। अब हमें क्या बनानी है, पूंछ बनानी है। तो अब हमने क्या किया, जो सी था उसके एक बगल से बिल्कुल एक लाइन ले ली थी, तो जो हमारी कैट है अब वो क्या हो गई, रेडी हो गई बच्चों, है ना, जो हमारी कैट थी वो रेडी हो गई। चलिए अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। तो जो हमारी कैट है उसमें हम स्किन कलर फिल करेंगे। कौन सा कलर फिल करेंगे, स्किन। इस तरीके से आपको भी कलरफुल करना है। ओके, चलिए स्किन कलर। बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कैट जो है वो रेडी हो चुकी है। सी फॉर कैट, कैट रेडी हो गई है अब हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डॉग बनाएंगे। तो डॉग बनाने के लिए अब हम क्या बनाने वाले हैं बच्चों, डी फॉर डॉग है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, ओके सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें एक डी बनानी है। क्या करना है, एक डी बनानी है। चलिए बनाते हैं। ओके, तो देखिए हमें पहले, देखिए अब हमें बड़ी डी बनानी है ना, तो हम स्केल से इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ओके, उस पे हम डी बना देंगे जैसे कि मैंने बनाया। ओके, तो डी बन गई हमारी। अब हमें क्या करना है, जो डी है उसके इधर से एक लाइन खींचनी है और एक लाइन इधर से खींचनी है। तो डी के आसपास हमने एक लाइन भी खींच दी। ओके, अब हम अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे अब हम ड्राइंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो है आपका वो क्या है, देखिए अब आपको ये फेस बनाना है। तो आप फेस कैसे बनाएंगे वो देखिए, आप ना यहाँ से जो डी है ठीक है, उसके ऊपर से इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से सीधा 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 हल्का सा घुमाकर, हल्का सा कर्व लेकर इस तरीके से पूरा इस डी तक लेकर आएंगे। ठीक है, ले आए हम इस डी तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पीछे से कान बना देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो डॉग है उसका मुंह बनाना है। सबने बना लिया, और यहाँ पर क्या बनानी है, डॉग की आईज बनानी है। तो आप देख सकते हैं जो आपका डॉग है वो तैयार हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, डी बनाई, उसके बाद डॉग का जो फेस है उसे बनाया, और देन लास्ट में क्या किया, एक कान बनाया। ओके, तो आपका जो डॉग है वो रेडी हो गया, वो समझ आया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कलर करते हैं। हम ब्लैक स्केच से आउटलाइन बाद में करेंगे, क्यों बच्चा, क्योंकि क्या होता है जब हम कलर करते हैं तो उसमें ब्लैक कलर की शेड आ जाती है, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमें कलर फिल करना है उसे फिल करेंगे एंड आउटलाइन हम लास्ट में करेंगे। ओके, तो बताइए डॉग कैसे कलर का होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है,
इसको हम डॉग में ब्राउन कलर फिल कर रहे हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, वन बाय वन आराम आराम से। ओके जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही आप भी करिएगा, इसी तरीके से आराम आराम से बिल्कुल, ताकि जो आपका कलर है वो फैले ना। इस तरीके से ओके जैसे मैं करती जा रही हूँ। जो देखिए जो हमारा डॉग है उस पर कलर हो गया। अब हम ब्लैक स्केच से आउटलाइन करेंगे और देखिए यहाँ पर और आईज पर, ऊपर और आईज पर हमें कौन सा कलर करना है, ब्लैक कलर करना है। तो पहले हम आउटलाइन करते हैं उसके बाद कर लेते हैं ये। तो देखिए ये हमारी आउटलाइन हुई, डार्क आउटलाइन कर देते हैं। अब हम डी बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, डी बनाएंगे। ओके उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ से एक लाइन लेनी थी, एक लाइन यहाँ से लेनी हमने ले ली। उसके बाद हमें अपने डॉग का फेस बनाना था, तो डॉग का फेस बनाते हैं यार इस तरीके से ही तो बनाया था ना हमने डॉग का फेस। देखते रहिए आप भी कैसे बनाया था, इस तरीके से आराम आराम से लेके जाना है, बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। ये हमारा डॉग का फेस बन गया। अब हम डॉग का जो फेस है उस पर हम ब्लैक कलर कर देते हैं। इसकी नोज बन गई, जो हमारा डॉग है उसकी क्या बन गई, नोज बन गई। और ये हमारे डॉग का माउथ बन गया, मुंह बन गया। और ये हमारे डॉग की क्या बन गई बच्चों, आईज बन गई। ओके ये क्या बन गई, ये हमारे डॉग की आईज बन गई। अब जो लास्ट कान है उसे भी बना देते हैं। तो ये हमारे डॉग का लास्ट वाला जो कान है वो भी रेडी हो गया। दो कान होते हैं, हमने एक कान बनाया था डी से और एक कान ये। तो बच्चों अब हमारा डॉग रेडी हो चुका है। देखिए आप कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना डॉग। तो आज हमने क्या बनाया, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग बनाया। तो बच्चों आपको सी फॉर कैट बनाना और डी फॉर डॉग बनाना आया बताइए मुझे। हाँ देखिए एक बार, ये क्या है, डी फॉर डॉग है और ये क्या है, ये सी फॉर कैट है। देखनी है एक बार फिर से, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग। ये बताइए आपकी ड्राइंग कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, आपको बनाना भी आ गया, अच्छी लग रही है ना आपकी ड्राइंग। ओके तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको अल्फाबेट ड्राइंग में सी एंड डी से ड्राइंग बनानी है, सी फॉर कैट बनानी है और डी फॉर डॉग बनाना है। ओके चलिए गुड बाय।